अपने दिल के करो। लाइफ इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लाइफ में लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा तो आपको लाइफ जीने का मजा नहीं आएगा। तो प्रॉब्लम्स का ना सॉल्यूशन सुसाइड नहीं है भाई। ब्रेकफास्ट में मम्मी ने बनाया है चाउमीन, खाएंगे हम लोग चाउमीन फटाफट से। और थैंक्स टू एसेसरीज व्हीलर फॉर स्पॉन्सरिंग दिस रेनकोट टू मी। हम लोग का डाम्बू का पेट्रोल पंप भी काफी अच्छा से बन रहा है। अभी हम बमजीर ब्रिज में, और यहाँ का हालत देखिए भाई, क्या भयानक रूप लिया देखो। ये देखो मेरे भांजा। हाय, हेलो गाइस, बोल हेलो गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज बॉय प्रीतम, वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद प्रीतम। होप सब लोग जहां भी होंगे ताबड़तोड़ मस्ती करेंगे, बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी एंड ब्लेस संडे टू यू ऑल। आज सुबह से यहां पे बारिश ही है और सुबह सुबह मैं उठ के जल्दी से जल्दी व्लॉग अपलोड किया, एंड नाउ इट्स अ टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट। तो आज ब्रेकफास्ट में मम्मी ने बनाया है चाउमीन। इसके पहले ऑलरेडी मैंने फ्रूट्स खा चुका है, बहुत सारा फ्रूट्स खा किया था, मैं खा चुका हूँ, उसको खाते हुए मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था। तो ये है चाउमीन, अभी खाएंगे हम लोग चाउमीन फटाफट से। एंड इस संडे में सबको ये कहना चाहता हूँ कि भाई खुश रहो एंड अपने दिल के करो। लाइफ इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्या बोला तूने? Life is a lot of problems. Life little is, जिंदगी छोटी है। Get out from house, निकले घरों से। Life में lot of problems होगा, problem नहीं होगा तो आपको life जीने का मजा नहीं आएगा। अभी मैं कुछ लोगों से chat कर रहा था, मेरे लाइफ में इतना सारा प्रॉब्लम है ना, मैं गिनाते रहूंगा ना थक जाओगे। और हर किसी का लाइफ में अपने अपने लेवल्स में प्रॉब्लम्स है। तो प्रॉब्लम्स का ना सॉल्यूशन सुसाइड नहीं है भाई। कुछ कुछ बच्चे अभी स्टेटस में लिखा था, मैं उन लोगों से बात किया अभी, कि एक मेडिकल में एडमिट है, वहाँ पे अभी सही हो गया तो अभी मैसेज कर रहे कि मैंने सुसाइड कर लिया था, वट एवर, मतलब बच गया वो। तो मैंने बोला इतना सिंपल है, जिंदगी को ख़त्म कर देना तुम्हारे लिए, तुम एक बार भी पेरेंट्स के बारे नहीं सोचते, कुछ भी नहीं सोचते हो, बस मॉनेटरी प्रॉब्लम। लिटरली स्पीकिंग मेरे पास इतना मॉनेटरी प्रॉब्लम है, अब इस महीने का ईएमआई नहीं हुआ, नेक्स्ट महीने का ईएमआई चाहिए, चीज़ें मैं कुछ भी नहीं सोच के मैं सब कुछ सेल कर रहा हूँ। रीजन बिहाइंड, मुझे सॉल्यूशन निकालना है, मैं ये सोच रहा हूँ, उससे क्विट नहीं होना है। भाग जाना तो बहुत ईजी है लाइफ में आपको ना, और कभी मत सोचो कि सबका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। सब सेम डेडलाइन लेके नहीं आते इस जिंदगी में, सबसे बड़ा बात याद रखो। आप सोच रहे हो आपका साथ वाला उम्र वाला इंजीनियर है वो सक्सेसफुल हो गया, आपका साथ वाला बंदा डॉक्टर है वो सक्सेसफुल हो गया, सब सेम डेट लेके नहीं आता सक्सेसफुल होने के लिए। पांच उंगली हमारे सेम नहीं हो, डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है ना वो होना ही है आपका, आप कुछ उखाड़ नहीं सकते हो। ये मेरा बात दिल से आप मान लो इस बात को ना, मैंने मान लिया इन चीज़ को कि डेस्टिनी में जो लिखा है वो होगा, पर अपना मेहनत जारी रखेंगे हम लोग। क्या मालूम मैं कल का डेट में जाके सुपर सक्सेसफुल हो जाऊँ, राइट? और क्या मालूम जो आज सक्सेस हो कल का डेट में एक्सीडेंट होकर मर जाए, क्या लाइफ का गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है ना। आप आज पर सक्सेसफुल हो, ये हो, खुशियां मना रहे हो, डीजे जा रहे हो, पब जा रहे हो, कल का डेट में आपको हार्ट अटैक होकर डेथ हो गया, कल का डेट में आपको रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया, कहाँ जाएगा आपका खुशी तब? आज आप एरिया घिस रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, रोड हो, और कल का डेट में आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेहनत जारी रखना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि प्रॉब्लम आए तो मैं सुसाइड कर लूंगा। खुशियों का समय तो आप ये सब नहीं सोचते हो, तो जैसे खुशियों को हैंडल करते हो उसे दुख को भी हैंडल करना सीखो। तो फ्यू दोस्त जो लोग हैं, या कुछ लड़कियों कुछ लड़कों से बात किया था अभी, उन लोगों का ऐसा ऐसा कहना था कि ऐसे लाइफ में भाई बहुत प्रॉब्लम है। भाई प्रॉब्लम हर किसी का है, अपना अपना लेवल में सबका प्रॉब्लम है, किसी का प्रॉब्लम बड़ा छोटा नहीं है। मेरा प्रॉब्लम मेरे लिए 10 लाख मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, किसी के लिए वो बड़ा आदमी के लिए 2 करोड़ का भी प्रॉब्लम हो सकता है, किसी बंदे के लिए 2 लाख भी बहुत जिंदगी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबका अपना लेवल में भी प्रॉब्लम है, तो छोटा मोटा चीज़ें सहना पड़ेगा आपको, जब गलत टाइमिंग रहता है तो सहना पड़ता है, बाद में अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस विश्वास रखो अपने आप में, वो काम करते जाओ, क्योंकि मैं इस फेस से गुजर रहा हूँ, और स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ सुनो, दिमाग में मत लगाओ। एक आदमी सुसाइड के बारे तब सोचते जब वो बात को दिमाग में लगा लेता है, दिमाग में मत लगाओ इस बात को, जो भी है निकाल दो। हाँ, ये फेज आना था लाइफ में, आ रहा है, चला भी जाएगा, दैट्स इट, खत्म। प्रॉब्लम आ रहा है, क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल किसी का लोन से ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? सब सामान उठा के ले जाएगा, सारा चीज़ ले ले जाओ, कोई बात नहीं, मैं जिंदा हूँ ना फिर से बना लूंगा। सबसे बड़ा फैक्ट ये है, आप जिंदा रहोगे तो सब तब तब तक नया चीज़ होगा,
आप खत्म हो जाओगे तो क्या फायदा रहेगा। तो डियर यूथ, चीजों को प्लानिंग के साथ करो, गलतियां जो किया इसको दोबारा मत करो। मैंने भी बहुत सारी गलतियां की, इसको दोबारा नहीं करूंगा, राइट। एंड सुसाइड इज नॉट लास्ट ऑप्शन, लाइफ बहुत बड़ा है। आप KFC का कहानी भी सुना होगा ना, लास्ट में सुसाइड करने जा रहा था, उसके पास कुछ $57 था, उसने बोला मरने का पहले कुछ करो। एक आदमी ने समझाया तो बोला मुझे खाना बनाना है, तो उसने खाना बना के घर तक पहुंचाया तो लोगों को पसंद है। 60 ईयर्स में जाके KFC सक्सेसफुल हुआ। सब एग्जाम्पल क्यों बोलते हैं आप लोगों को, ताकि आप सीखो। वो बंदा 57 साल तक, 57 ईयर्स जो मेरे पापा का उम्र है, मतलब पापा का 62 ईयर्स है, इतना उम्र तक अनसक्सेसफुल रहा। 62 ईयर्स में जाके केंटकी फ्राइड चिकन फेमस हुआ। वो बंदा 84 ईयर्स में वर्ल्ड का सबसे बड़ा अमीर इंसान बना, राइट। तो आदमी का कोई 5 उंगली जब सेम नहीं है, 5 इंसान कैसे सेम होगा। सबसे सक्सेसफुल डेट सेम नहीं है, सक्सेस का डेट सेम नहीं है। तो ट्रस्ट मी, विश्वास रखो अपने आप में और करते जाओ काम, बहुत कुछ होने वाला है। फिलहाल खा लेता हूँ, बहुत ज्ञान दे दिया आप लोगों को। खाने के बाद फिर से मिलते हैं। देखते देखते दिन का 1 बज गया गाइस। यहाँ का मौसम देखो, बारिश 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 है। हमको थोड़ा रिसोर्ट भी जाना है, वहाँ पे उस दिन का पैसा देना है वापस। ओहो, ये कार्टून लोग को पहुँचा देता हूँ। यस, ये देखो, ये है ORS। क्या है ORS? किचड़ किचड़ हो गया ना यार। पापा पकड़िए तो, ये लीजिए, पकड़िए 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 पकड़िए। गिरेंगे गिरेंगे। बॉयस पूरा रेडी हो गए हैं अभी, रेनकोट लगा के, एकदम रेनकोट लगा ले, क्योंकि मैं एक्चुअली अभी यहाँ से सीधा अकोगो रिजोर्ट जाऊँगा पैसा देने, वहाँ से रोइंग चला जाऊँगा स्कूटी को लेके, क्योंकि वहाँ पे एक मेडिसिन भी आया है और सोच रहा हूँ थोड़ा सा हेयर कट भी कर लूँ। और थैंक्स टू एसेसरीज व्हीलर स्पॉन्सरिंग दिस रेनकोट टू मी। एक्चुअली लास्ट टाइम जब राइड में गए थे वहाँ पे एक्सीडेंट के बाद है, जब संतोष का बाइक ठीक कराने गया था, तब मैं पूरा भीग के गया था, क्योंकि मेरा रेनकोट ऑलरेडी एक्सीडेंट में फट चुका था, तो मैंने नया परचेस नहीं किया था। इसलिए भैया को बोला तो भैया बोला आने का स्टिक निकलने के समय में, भैया बोला ये लो, ये मेरे तरफ से रखो। एंड हम पहले भी ब्लॉग में दिखाया था आपको, वन ऑफ द एक्सपेंसिव रेनकोट है, अच्छा बाइकिंग कम्युनिटी में जो रेनकोट यूज़ करता है ना वो वाला है, अच्छा था, ये रेनकोट दिया हमको, उसमें सामान भी बहुत ज़्यादा घुस जाता है। एंड थैंक्स टू राजा दा ऑल्सो, राजा दा जो रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर का सर्विस मैनेजर है, तो अभी उन्होंने फ़ोन किया था तो बोला है हम सारा तुम्हारा सब चीज़ ब्लॉग्स देखते हैं और सारा प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम्स है तुम गुजर रहे हो वो भी देख रहे हैं, तो तुम चिंता मत करो, एडवांस पेमेंट मत करो, तुम्हारा मैं गाड़ी बनाना, पैंथर को बनाना ठीक कर दो, जल्द से जल्द पैंथर को बना लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे साथ में, तुम टेंशन एकदम मत लो, तुम अपना काम करते जाओ, बोले। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो मुझे समझते हैं यार, पेरेंट्स के अलावा फ्यू आर देयर, देयर सब्सक्राइबर ब्रदर्स, क्या बोलूँ उन लोगों के लिए ना, तो आंसू आ जाते हैं कभी कभी। कुछ लोग बहुत समझते हैं, बहुत हेल्पफुल होता है, कुछ लोग इन बातों को लेकर हंसता भी है, तो हर तरफ का आदमी मिलता है, उपाय नहीं। चलिए चलते, ज़्यादा लेट नहीं करते, बारिश जोर से आ जाएगा। हेलमेट पहन लेता हूँ, ये मेरा हेलमेट अभी तक इसको ठीक कराना नहीं हुआ है, वाइजर ही नहीं है इसका। हाँ मम्मी, नहीं लिया, वाइजर ही नहीं है इसका। पैसा एक बार आ जाए तब सब कुछ ठीक कराऊँगा, बहुत सारा प्रॉब्लम है। हम लोग का डाम्बू का पेट्रोल पम्प भी काफ़ी अच्छा से बन रहा है, अभी देखिए वो सुंदर शेड वेड लग गए, यहाँ पर बोर्ड लगने वाला है, और जो फ्लोरिंग था यहाँ का वो भी प्रॉपर हो गया, पहले तो किचर विचर होता था, तो प्रॉपरली बन रहा है अभी, अच्छा लग रहा था देखो। तो निकलते हैं और तेल भरा लिया दोस्तों का। अभी हम बमजीर ब्रिज में, और यहाँ का हालत देखिए भाई साहब, पानी ऐसा बढ़ गया यहाँ पे, कितने दिनों से बारिश हो रहा है ना, और पूरा फॉग है आगे, इधर देखो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आपको दिखाता हूँ क्या भयानक रूप लिया, देखो डर ही लगता है देख के। हो 1 hour later हम लोग रोइंग मार्केट पहुंच गए, यहाँ पे यहाँ से चिकन ले रहे हैं, तो ड्रेसिंग करके ले जाएंगे, हमें ड्राइव मिलता है।
फाइनली रीच डम्बुक एंड डम्बुक पहुंच गया था अबाउट 3:30 बजे आई थिंक सो। उसके बाद मैं फुटबॉल देखने गया था तो एक ही मैच देख पाया, दूसरा मैच अच्छा हुआ नहीं। उसके बाद घर आया, नहाया, फ्रेश हुआ, 1 घंटा तक पूरा नहावा फ्रेश हुआ एंड हेयर कट काफ़ी बढ़िया से काटा भाई ने। आप लोग बताइएगा कमेंट करके हेयर कट कैसा लगा। और वहीं से आते वक्त आपको देखा था, मार्केट में दिखाया था ना कि मैं चिकन लिया था, तो मम्मी अभी चिकन बना रही है। लेट मी शो यू, यहाँ पे देखिए मम्मी कितना मस्त से लोकल चिकन बना रहे हैं। अभी सर दही भी डाला है मम्मी ने ना, न्यू देखे वाइट वाइट दिखाई दे रहा है ना, दही डाला है। उसको एक्स्ट्रा पॉलिथिन में और सामान था, निकला उसको नाम फेंक दे, फेंक दिया। ए बात बोली ना, मैं तो तकलीफ से लेके आया था उसको, मैं चावल में नहीं क्यों है सुन, खाली इससे नहीं होता। अरे पॉट भी था तो पॉट को हम दे दिया। ओ पॉट को हमसे मत फेंकिए, हम दे दिया। और हमको ठग लिया गाइस, 500 था हमको 550 करके किलो, हम जब भी लेते ना ठगते ही, मम्मी से डांट रहे, थक गया हम, तुमको ठगा क्या है, हमको हमेशा ठगा देते हैं हम लोग। तब इतना बैठ के इंस्टाग्राम लाइव जाते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग से। एए, एए, ये देखो मेरे भांजा। एए, हाय, हेलो गाइस बोल, हेलो गाइस बोल बोल। एए, क्या खा रहे तुम? ए गुंडा की खाए हो? क्या पेन की बैठा है? The next morning. So guys, this is the next morning. Actually, कल रात में Instagram live करके मैं सो गया था। सोने के बाद उठ के फटाफट डिनर करके फिर सो गया था मैं। फिर से वापस सोया, फिर उठ के डिनर किया, फिर सो गया। अरे कहना क्या चाहते हो? डिनर तो काफी ज्यादा टेस्टी था क्योंकि लोकल पे काफी दिनों बाद खाया। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें बहुत चीज़ मैंने शेयर करने की कोशिश की आप लोगों को, यूथ के लिए कुछ मैसेज देने का कोशिश किया मैंने। एंड लास्टली नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो मच एसेसरीज विला एंड राजदा फ्रॉम रॉयल एनफील्ड शोरूम फॉर देयर सपोर्ट। मिलते हैं फिर से एक नए दिन में नए ब्लॉग के साथ। अब तक खुश रहें, अपने मन की करें और अपने दिल के संदेश से बहुत बड़ी दूर साइनिंग। जय हिंद जय भारत एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। You.